अयोध्या के हैदरगंज थाना क्षेत्र में दो युवकों के शव मिलने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। एसएसपी शैलेश पांडे ने घटना से पर्दाफाश करते हुए बताया कि दोनों युवकों की हत्या गोसाईगंज कस्बे में आशनाई के चलते हुई है। मृतक रवि मोदन बाल का हत्यारोपी के परिवार की युवती से प्रेम संबंध थे, जिसको लेकर रवि मोदन बाल अपने दोस्त मनोज मोदन बाल के साथ अपनी प्रेमिका से मिलने गोसाईगंज आया था। इस दौरान परिवार को युवती का उसके प्रेमी से मिलना नागवार गुजरा और योजनाबद्ध तरीके से दोनों युवकों की डंडों से पीटकर हत्या कर दी, जिसके बाद शवों को फेंकने के लिए राम जन्मभूमि थाना क्षेत्र निवासी दो युवकों को बुलाया गया, जिन्होंने शवों को हैदरगंज थाना क्षेत्र में ब्रह्मा बाबा तिराहे के पास गड्ढे में फेंक दिया था। इस घटना का पुलिस ने सर्विलांस के सहारे खुलासा कर दिया है, जिसके साथ ही हैदरगंज थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने पिता पुत्र समेत 5 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या में शामिल 5 अन्य लोग अभी भी फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल डंडा, शव फेंकने वाली पिकअप गाड़ी और मृतक का बैग भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों मृतक युवक प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले थे, जिनका कारोबार को लेकर गोसाईगंज आना जाना था। इस दौरान मृतक रवि का वहां की एक युवती से प्रेम संबंध हो गया था, जो बाद में हत्या की वजह बना। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, कल थाना हैदरगंज क्षेत्र में कस्बे के पहले ब्रह्मवाय स्थान के पास तिराहे पर दो युवकों की डेड बॉडीज अर्ली मॉर्निंग मिली थी। प्राप्त सूचना पर तत्काल SPRA, CO बीकापुर, CO मिल्कीपुर, थाना हैदरगंज की पुलिस, तारून और बीकापुर की पुलिस मौके पर पहुंच के इन लोगों ने तत्काल छानबीन शुरू की। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। हमारा पहला प्रयास था कि जल्द से जल्द पहले उनका शिनाख्त हो जाए। लगभग 10 बजे के आसपास शिनाख्त हुई और ये पता चला कि दोनों युवक जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। उसके बाद उनके परिजनों से संपर्क किया गया, उनसे कुछ क्लू मिला तथा अन्य सोर्सेस से और टेक्निकल हमारे एड से इस घटना का खुलासा हुआ और ये पता चला कि मृतक रवि जो हैं अपने साथी मनोज के साथ मोटरसाइकिल से गोसाईगंज तक आए थे और उसके बाद वापस घर पर नहीं पहुंचे थे। जब घटना का खुलासा हुआ तो ये पता चला कि थाना गोसाईगंज क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार की लड़की के साथ इनकी नज़दीकियां थी, इनके संबंध थे, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डेवलप हुए थे और उसी के क्रम में ये जो रवि मदनवाल जो मृतक हैं वो अपने साथी मनोज के साथ गोसाईगंज आए थे और वहीं पे उनके जो परिजन हैं, जिसमें जो युवती हैं उनके पिता सत्यप्रकाश, उनका भाई संदीप, इनके साथी शेरू रमेश, इनके दो अन्य रिलेटिव और इनके साथ के कुछ मजदूरों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें सत्यप्रकाश मोदनवाल, संदीप मोदनवाल, शेरू सिंह और जो इन टेंट हाउस चलाते हैं उनके दो जो मजदूर हैं जिन्होंने इस घटना में इनका साथ दिया, वो छोटू और दिलीप, ये 5 लोग इसमें गिरफ्तार हैं। शेष इसमें 5 अन्य लोग भी हैं, जिसमें संदीप का एक साथी रमेश वर्मा और 2 इनके रिश्तेदार और 2 अन्य मजदूर अभी इसमें शेष हैं। जल्द ही पुलिस टीम इन्हें भी गिरफ्तार करेगी। घटना में प्रयुक्त डंडा 1 बरामद किया गया है, साथ ही साथ जो मृतक हैं उनका बैग बरामद किया गया है।